गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल छपारझर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस, कल हमने चैप्टर किया था फर्स्ट, उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसका रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजिज इन टू टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल है CaCO3, ये सिंगल रिएक्टेंट है, ये दो में टूट जाता है CaO प्लस में CO2। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आफ्टर रिएक्शन कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ZN प्लस में CuSO4, Cu प्लस में ZnSO4, ये ZN है, ये मोर रिएक्ट एलिमेंट है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड और एलुमिनियम सल्फेट, ये हमारे क्लोराइड आयन है और ये हमारे सल्फेट आयन है, ये क्लोराइड आयन सल्फेट के साथ चला जाएगा एल्युमिनियम के साथ और सल्फेट बेरियम के साथ चले जाएगा। जैसे बेरियम सल्फेट, यहाँ पर बेरियम के साथ क्लोराइड था, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, ये वाला एल्युमिनियम के साथ सल्फेट है, एल्युमिनियम के साथ क्लोराइड आ गया, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। इसको हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे Ba3BaCl2 प्लस में Al2SO4 थ्राइस, आफ्टर रिएक्शन 3BaSO4 प्लस में 2AlCl3। ये कल का क्विक रिवीजन है, आज हम करेंगे दो और कुछ रिएक्शंस। आज है हमारा नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अर्थात जिस रिएक्शन के अंदर हीट उत्पन्न होती है, रिलीज्ड होती है, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल है मैथेन प्लस ऑक्सीजन, आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, यहाँ पर हीट उत्पन्न हो रही है, रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इसके अंदर हीट अवशोषित हो रही है, यूज हो रही है, अवशोषित हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ हीट पहले दी गई है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे आ गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला हमारा रिडक्शन, ये भी रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपोजिट रिएक्शन है एक दूसरे के, टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारा आ गया रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, दो शब्दों से बना है ये, री मीन रेड मीन रेडॉक्स और ओ एक्स मीन ऑक्सीडेशन, ये मेन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रेड मीन रिडक्शन ऑक्स ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। साथ साथ होए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब साथ साथ होती हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल है हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आफ्टर रिएक्शन जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड,
ZNO प्लस में C, ZN प्लस में CO। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ, इसलिए इसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन अनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट एक अनसोल्युबल प्रेसिपिटेट है, ये फॉर्म हुआ है प्लस में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड BaCl2 प्लस में Na2SO4, BaSO4 प्लस में 2NaCl। आगे कल करेंगे।